आज हम बनाएंगे कुकर वाला पास्ता और वो भी देसी स्टाइल में। कुकर में बनाने की वजह से ये रेसिपी और भी जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुकर में एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया जिसे बारीक कट कर लिया है। और अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे जिसे मैंने कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो मिर्ची अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है और इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बारीक टमाटर ले लिया जिसे कट कर लिया है। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसे और पका लेंगे। और अब टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने 3 कलर का पास्ता ले लिया है। हम इसे कुकर में डाल देंगे और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी हम इतना डालेंगे कि वो पास्ता के लेवल में आ जाए। और यहाँ पे मैंने 2 मैगी मसाला ले लिया, वो डाल देंगे। और यहाँ पे 1/4 कप स्वीट कॉर्न ले लिया, वो डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 1 विसल आने तक हम इसे पका लेंगे। और अब 1 विसल हो चुके हैं। हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता तो आपने कई बार घर पे बनाया होगा, लेकिन एक बार आप कुकर में भी इसे बना के जरूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।